अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। यहाँ पर आज हम लोग बना रहे हैं आलू की कटलेट्स। कटलेट्स के लिए हमें चाहिए आधा किलो आलू। आधा किलो आलू में हम चिकन के कुछ श्रेडेड पीसेस डालेंगे, और ये हमने ली हैं तकरीबन 2 से 3 बोटियाँ हमने बॉईल करने के बाद जो है उसको श्रेड किया है। ठीक है, आप लोग हाथ से भी श्रेड कर सकते हैं और मशीन से भी निकाल सकते हैं, जैसा आप लोगों को सहूलत हो। यहाँ इसमें डालने के लिए हम लोगों ने लिए हैं प्याज ली है 4 अदद, छोटे साइज़ की प्याज है जिसको मैंने इसको बारीक सा चॉप कर लिया है, और आधी गड्डी हमने ली है हरा धनिया और पुदीने की, आधी आधी गड्डियाँ हमने हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मौजूद है अंडा, एक अंडा हमने इसमें यूज़ करना है, और थोड़ा सा बेसन जो है भुना हुआ 4 चमचे जो है वो हम यूज़ करेंगे। इसमें बेसन को आपने फ्राई पैन में डाल के सिंपली भून लेना है, और जब इसमें आपको थोड़ी सी अरोमा आपको आना लगे तो आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसको उतार लेना है। इसके अलावा इसमें मौजूद है मसालों में हमने यूज़ करना है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमने ली हैं इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, और अगर आप लोग ज़्यादा नहीं खाते हो स्पाइसी तो आप लोग इसको कम भी कर सकते हैं। नमक हसबे ज़ायका होगा, अपनी मर्ज़ी से आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं नमक। ज़ीरा हमें लेना है इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच। यहाँ पे ये मौजूद है हमारे पास गरम मसाला, गरम मसाला हमने लिया है 1/2 चाय का चम्मच। हल्दी हमने 1/2 चाय का चम्मच ली है। लाल मिर्चें जो हैं पिसी हुई हमने इसमें यूज़ की हैं, और ये हमने ली हैं तकरीबन 2.5 चमचे, और 1/2 चमचा हमने इसमें लिया है काली मिर्चें। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरा सामान आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पर तैयारी करते हैं आलू के कटलेट्स की। जी जनाब, अब यहाँ पर हम आलू के कटलेट्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसमें तमाम सामान आप लोगों को ऐड कर देना है। इसमें पहले हमने चिकन डाली है, फिर हम इसमें प्याज डाल रहे हैं, इसमें हरा धनिया, पुदीना, तमाम चीज़ें जो हैं जो भी हमने मसाला जात यहाँ पर लिए हैं वो तमाम हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें आप बारी बारी इसमें तमाम चीज़ें एक साथ डाल सकते हैं या फिर बारी बारी डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार से हैं, और आपके बच्चे जो हैं वो जो चीज़ें नहीं खाते हैं वो भी आराम से ये चीज़ें खा सकते हैं। जी जनाब, बेसन भी हमने इसमें ऐड कर लिया है, और आप लोग मिलाते जाइएगा इसको और डालते जाइएगा सारा सामान। जी, तो हम इसको इस यहाँ पर इस तरीके से मिला रहे हैं, अब मिक्स कर रहे हैं। अंडा भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। तमाम चीज़ें आपको इसमें शामिल करके इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें मिक्स कर लीजिए। जी जनाब, इस तरह से इसका जो है वो आपको नज़र आएगा इसका रिज़ल्ट, ये इस तरह से मिक्स होता जाएगा। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसकी बनाएंगी छोटे छोटे से टिक्कियाँ। कटलेट्स हम इसको बनाएंगे जब ये इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें तमाम मसाले मिक्स हो जाने चाहिए, इतना इसको मिक्स करना है। जी जनाब, ये मिक्स करने के बाद इस तरह से इसके जो है वो शक्ल आपको नज़र आएगी। ये बहुत ज़्यादा ना तो थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा सा इसका जो है वो टेक्सचर आया है। अब हम यहाँ पर इसकी टिक्कियाँ बनाने शुरू करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए, थोड़ा हाथ पे हम ऑयल को लेंगे। ऑयल इस तरह से हाथ पे लगाना है आपको थोड़ा सा, और उसके बाद आप ना थोड़ा सा ले कर और उसकी टिक्कियाँ बनानी है। अच्छा, कटलेट्स में जो है वो आप शेप किसी भी तरीका का दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गोल ही दें, आप किसी भी शेप में आप कटलेट्स को बना सकते हैं। आपके बच्चे जिस तरह से शेप में पसंद करते हों आप उस तरह से शेप दे सकते हैं अपने कटलेट्स को। ये देखिए, हम यहाँ पर गोल कटलेट्स बना रहे हैं, ये शामी जैसे इसका शेप दे रहे हैं हम इसको। जितनी दफ़ा भी आपने टिक्कियाँ बनानी हैं उतनी दफ़ा आपने हाथ पे अपने थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगाना है, हाथ को ग्रीसी करना है। ग्रीस करने के बाद आपको जो है वो टिक्कियाँ बनानी है।
जी जनाब, इसी तरीके से तमाम टिक्कियाँ हम बना के रखते हैं, तमाम कटलेट्स हम यहाँ पर बना के आपको फिर दिखाते हैं। जी जनाब, यहाँ पर जो है अब हमने कटलेट्स को फ्राई करना स्टार्ट किया है, ये देख सकते हैं आप। आप लोग जितने ज़्यादा संभाल सकें एक साथ उतने ज़्यादा आप लोग इसमें डाल सकते हैं, आराम से ईजीली आप लोग कर सकते हैं। शैलो फ्राई करना है इसको, बहुत ज़्यादा आपको डीप फ्राई इसको नहीं करना है, शैलो फ्राई कीजिएगा आराम से, ये बहुत ही अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा। गोल्डन ब्राउन हमें इसमें कलर करना है, ज़्यादा हमें इसको कलर नहीं देना, गोल्डन ब्राउन बहुत खूबसूरत सा कलर लगता है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसमें, ये देखिए। अच्छा, इसको जब आप लोग ऑयल में डालेंगे तो इसको फौरी तौर पे आपने जो है वो पलटना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप लोग डालते ही अगर पलट देंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसको थोड़ा सा पकने दीजिएगा, थोड़ा सा फ्राई होने दीजिएगा, उसके बाद आप इसको जो है वो टर्न कीजिएगा ताकि कलर भी इसका खूबसूरत सा आ जाए और ये टूटे भी नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपने ऐसा ऐसा करके इसमें तेल ऊपर डालते जाना है ताकि ऊपर और नीचे बराबर से कलर आता जाए इसमें और ये पकते जाएं। जी जनाब, इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत से ये आ गए हैं। अब हम तमाम फ्राई करने के बाद हम आपको जो है वो शो करते हैं। ये देखिए जनाब, ये तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने बना के रख लिए हैं, और कलर आप लोग देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत इसका गोल्डन कलर आया है। इसको चटनी के साथ आप लोग सर्व कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है।